हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार और राबिता कमेटी आज दोपहर यादगार शहदा पर हाजिरी देगी। मार्च मंसूख कर दिया गया, यादगार शहदा जाने वाले रास्ते सील। फारूक सत्तार के शिकवे के बाद मुस्तफा कमाल जवाब शिकवे के लिए तैयार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मफाहमत की फजा कायम रहेगी या फिर मुखालिफत का आगाज होगा, सबको इंतजार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डेरा गाजी खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस स्टेज की तैयारी जारी, पंजाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की भांगड़े। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से उसकी बीवी को मुलाकात करने की पेशकश कर डाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली इस पेशकश से भारतीय हाई कमीशन को आगाह कर दिया गया। सऊदी हुकूमत का अरबपति शहजादे वलीद बिन तलाल समेत 7 आला ओहदेदारों को रिहा करने का फैसला। रिहाई अदम सबूत की बिना पर दी जा रही है, सऊदी मीडिया। रायगढ़ में 1 करोड़ की डकैती, 2 दर्जन डाकू ठेकेदार के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस हुदूद के तनाजे में उलझी रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह से पर होने से M3 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M4 फैसलाबाद से गोजरा तक मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लंदन में मुसल्ला गिरोह का नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद, हमलावरों ने तेज धार आले से नौजवान को जख्मी कर दिया, हमलावर फरार।